बांग्लादेश मुहा बात्या बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप आसंता 24 तारिख में बात्यार रूप नहीं पश्चिमबंग और बांग्लादेश आड़े मुहाँब भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पक्षर बात्यार गतिपथ नहीं मैप जारी करा जाई छी। वर्तमान यह आंडामान सागर एवं दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में केन्द्रीभूत हो रही आसंता 24 तारिख में यह बात्यार परिणत हो 25 तारिख में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हो एहा उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिगरे मुहाई पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश उपकूल रे आसंता 25 तारिख में पहुंचिबो तबे एहा ओडिसा उपकूल रे खसी हे जीवो एर प्रभाव रे ओडिसा उपकूल रे प्रबल वर्षा होई पारे। फेरीगला मौसुमी ओडिशार संपूर्ण विदाय नेला दक्षिण पश्चिम मौसुमी आगामी 48 घंटा मध्यरे सारा देशरु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अपसरण हेबा पई पाग संपूर्ण अनुकूल रहिछ बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि। जहां वर्तमान बड़ खबर मौसुमी फेरीगला ओडिशार संपूर्ण विदाय नेला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आगामी 48 घंटा मध्यरे सारा देशरु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अपसरण हेबा पई पाग संपूर्ण अनुकूल रहिछ बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि। मौसुमी वायु फेरीगला ओडिशार संपूर्ण विदाय नेला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आगामी 48 घंटा मध्य सारा देशर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अपसारण पर पाग संपूर्ण भाव अनुकूल रही बाबदे अधिक आलोचना पे आम सहित सीसी निर्देशक डॉक्टर शरतचंद्र साहू जोड़ी सर आपण को स्वागत कौन पाणीपाग विभाग अपडेट रही ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି କାଲି ଆଡକୁ ତାର ଘନୀଭୂତ କକ୍ଷା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମାନେ ତୀବ୍ରତା ଯୋଉ ବଢିବ ସେଟା 22 ତାରିଖରେ ଡିପ୍ରେସନ ବା 22 ତାରିଖ ରାତି 23 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ ଆଉ 24 ତାରିଖ ରାତି ବା 25 ତାରିଖରେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 23 ତାରିଖ ରାତି ବା 24 ତାରିଖ ସକାଳେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଇକ୍ଲୋନିଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତାର ଗତି ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପାରାଲାଲ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର प्राय पारालाल जो डिस्टेंस उपकूल पक्ष कम रहीपर भद्रक डिस्टेंस अधिक होती तार प्रभाव 25 तारीख में अधिक अनुभूत हम बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर आ भद्रक जिले में मानने वर्षा भी रधिक आ पवन स्पीड से प्राय 80-100 किलोमीटर पर आवर देपे कि अन्य पार्टी पवन स्पीड रिंतु से समय 70-80 किलोमीटर पर आवर रहीपे उपकूल पार्टी आ वर्षा भी पूरी पूरी रुरी लेकर जोटा कि 23 तारीख रात वर्षा संभावना रोच 24 तारीख में आपंकर केन्द्रापड़ा खोर्धा कटक आगत सिंहपुर पूरी किसी पर्सन गंजाम नयागढ़ में बर्षार संभावना रोच सर वर्षार परिमाण के 22 रु 25 भितर के 25 रे वर्षार परिमाण वृद्धि पाव कि 22 रे वर्षा हेनी 23 रात वर्षा रल्प रर्षार परिमाण 24 तारीख अधिक रोज 24 तारीख में आमर जगत सिंहपुर पूरी फुरी अराउंड 60-100 मिलीमिटर भितर हो पारे किंतु 25 तारीख जो वर्षा रहा बालेश्वर मयूरभंज से प्राय 200 मिलीमिटर टाटर अधिक हमार संभावना रोज आज्ञा सर पवन बेग स्पष्ट भाव जानक चाहिए पवन बालेश्वर और भद्रक पाखे पवन बेग अराउंड 80-100 किलोमीटर पर आवर रही पारे किंतु ता पूर्व जो एरिया गुडा रही सिटी 70-80 लाइक दैट रहिबार समान 60-80 किलोमीटर पर आवर अर्थात से भली कौन से प्रकार भयभीत होवार आवश्यकता नहीं ना समिति कौन से आतंकित नहीं ये तो एमने हमारा डिप्रेशन समय रे भी जो मॉनसून बेले डिप्रेशन हो जाए बेले बेले विंड स्पीड भी 70-80 किलोमीटर पर्यंत पड़ जाए किंतु सेटा कम संपेक्ट रहे साइक्लोन समय रे टिके ड्यूरेशन टिके अधिक रहइबो डॉक्टर साहू कौन से प्रकार आशंका रही छि ये जो प्रकार गतिपथ रही छि एवं वर्तमान जिमिति आपन को सूचना दउ छंती जेबे आलोचना हम करथुलु ताटु टिके भी पाखो दे कि जीवन ना जति कि डिस्टेंस पे तो से ही गतिपथ रहइबो कोनो से परिवर्तन हेबार कोनो से संभावना नै ना ना परिवर्तन तो संभावना अछि कारण वर्तमान जो सिस्टम होइ छि वीक सिस्टम रहै जेबे बेसी घनीभूत स्टेज नै आ जो मॉडल वर्तमान आछि वीक सिस्टम रहि डाटा लेकर माने मॉडल रन करके जोटा कहते फोरकास्ट 24 तारीख 25 तारीख हम कि 22-23 तारीख सिस्टम घनीभूत हम से ही समय जो मॉडल फोरकास्ट आसो मैंने एक्यूरेसी परसेंटेज अधिक र निहाती बात तेणु आम आमको तथापि भी वर्तमान जो प्रकार वीक आपत कहते वर्तमान सिस्टम रही से ही अनुसार ही जोटा कर तो अंत आमको पुणी काली पहर दिन पर्यंत ही अपेक्षा कर बिल्कुल।
बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शरदचंद्र साहू थे निर्देशक सीसी सुवार एवं डॉक्टर साहू जो भाई भाव सूचना दूसरे वर्तमान जहाँ रही 23 तारीख परठू टे वर्षा हबार अच्छी उपकूलवर्ती जिलागुड़े बेस रही जदि पुरी जगत सिंहपुर कटक खोर्धा युड़िक प्रारंभिक भाव में टी वर्षा हे कि अधिक वर्षा बालेश्वर भद्रक मयूरभंज जगत सिंहपुर भद्रक यू जिलागुड़े बहुत अधिक वर्षा हबार अच्छी कारण भद्रक परठू टे अधिक क्लोज प्रक्सीमिटी जहाँ बर्तमान जहाँ स्थित रही है नहीं कि जहाँ पूर्वानुमान अधिक घसई तेनाली वर्षार परिमाण अधिक रही पाए कि माड़ हबार कौन प्रकार संभावना बर्तमान पर्यटन अंत देखा जाऊना आमको आपंक नहींजु आंचलिक पापाग केन्द्र एचआर विश्वास निर्देशक बर्तमान किसी कहते पापाग नहीं कि बर्तमान कौन रही है बात्या संपर्कित खबर सीधा सल जावा डिप्रेशन वाउपात में रूप लेने का चांसेस है। फिर इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा और डीप डिप्रेशन 23 को बनने का चांसेस है और फिर उसका बाद ग्रेजुअली रिकर्विंग स्टार्ट होने का चांसेस है और साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और हमारा एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया में। फिर इसका रिकर्विंग होकर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट मूवमेंट होगा तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वार्ड मूवमेंट होगा। फिर हमारा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट का तरफ हमारा बे ऑफ नॉर्थ बे ऑफ बंगाल जो एरिया है उसमें 25 तक पहुँचने का चांसेस है हमारा उड़ीसा कोस्ट को स्टार्टिंग करके। तो ये है सिस्टम का रिगार्डिंग हमारा अभी फोरकास्ट और सिस्टम का एसोसिएटेड जो वेदर हमारा है इसमें 24th अर्ली आवर्स से मीन्स 23rd का नाइट से हमारा रेनफॉल एक्टिविटी इसका रिगार्डिंग शुरू होने का संभावना है और 24th अर्ली आवर्स में हमारा एक दो जगह करके हेवी रेनफॉल का भी चांसेस है मेनली पूरी जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा भद्रक ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। फिर 24th मीन्स से 25th इसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल 24th 8:30 25th 8:30 मॉर्निंग से 25th मॉर्निंग तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हमारा कोस्टल विशाखा कुछ डिस्ट्रिक्ट में और हैवी रेनफॉल भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल चांसेस जो है जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा भद्रक बालासोर कटक और हेवी रेनफॉल का चांसेस है केउंझर मयूरभंज जाजपुर खुर्दा पुरी गंजाम। फिर 26th मीन्स 25th मॉर्निंग से 26th मॉर्निंग इसमें मयूरभंज बालासोर भद्रक में एक दो जगह में हेवी रेनफॉल हो सकता है इट मीन्स हमारा 24th to 25th इसमें रेनफॉल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहने का चांसेस है इस रिगार्डिंग सिस्टम में। बट बहुत ज़्यादा हमारा उड़ीसा में होने का चांसेस कम है क्योंकि उड़ीसा को डायरेक्ट हीटिंग सिस्टम का नहीं है और विंड का जो है हमारा एलोगांड ऑफ उड़ीसा कोस्ट विंड स्क्वाली विंड रहेगा गेल विंड होने का चांसेस नहीं है। स्क्वाली वेदर और स्क्वाली विंड स्पीड हमारा 23rd से ही शुरू होगा मेनली ऑफ उड़ीसा कोस्ट में होगा उसमें कम ही रहेगा 35 to 45। फिर 24th में 45 to 55 और 25th में हमारा 50 to 60 गास्टिंग में 70 तक जाने का चांसेस है अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट। इसमें अलोंग द कोस्ट लाइन हमारा इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट का भी अलोंग द कोस्ट लाइन जो एरिया है उसमें 50 to 60 गास्टिंग टू 70 तक विंड स्पीड 25th मेनली मॉर्निंग आवर्स में अर्ली आवर्स में जाने का चांसेस है। तो इसका प्रभाव में फिशरमैन को हम लोग वार्निंग दिए है फिशरमैन को 22nd तक डीप सी वे एरिया में डीप सी एरिया हमारा वेस्ट सेंट्रल बे एंड इस सेंट्रल बे एरिया में जाने के लिए मना किया है और 23rd से समुद्र जाने के लिए बिल्कुल मना किया है 23rd से 26th तक फिशरमैन को समुद्र जाने के लिए बिल्कुल मना किया है और इसमें हमारा 22nd तक जो भी डीप सी एरिया में है उनको वापस आने के लिए कहा गया है। और हमारा कोस्टल जो ऑफशोर और ऑफशोर इंस्टॉलेशन जो है जो हमारा सी एरिया में जैसा हमारा पोर्ट एरिया में है और भी सी एक्टिविटी जो चलते हैं जैसे आईटीआर चांदीपुर का जूस है इसका इस तरह से हमारा कोस्टल एरिया ओएनजीसी का एक्टिविटी चलते हैं तो इसको हम लोग 22nd से जो डीप एरिया में है उसमें रेगुलेट करने के लिए कहा गया है और
मेनली वेस्ट सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल का डीप एरिया में जो है और अलोंग द कोस्ट ऑफ कोस्ट में 23rd से हम 24th एंड 25th में टोटली ऑफशोर एक्टिविटी सस्पेंशन करने के लिए एडवाइजरी इशू किया है। ये सिस्टम रिगार्डिंग अभी यही है हमारा अपडेट। और मॉनसून का जो है अभी आज हम लोग का उड़ीसा से 21st अक्टूबर होल उड़ीसा से मॉनसून विथड्रॉल हो गया है। हाँ वो हमारा बे एरिया में ही है। आप हमारा जो ये बुलेटिन में आप देखेंगे का ये ट्रैक इशू किया है वो ट्रैक देखिए उसमें हमारा बे एरिया में ही है, वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया में। वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया बोल रहा है ना, वेस्ट सेंट्रल वो तो आपका स्टार्ट शुरू होगा फिर ये होगा वेस्ट सेंट्रल जॉइनिंग नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एरिया में। कोस्ट से अभी देखिए इसका ट्रैक जो ट्रैक है अनसर्टेनिटी रहते हैं उसमें आपका हमारा जो जो पॉइंट है उसमें आप ट्रैक का हिसाब से देख लीजिए उसमें डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइमिंग में वो होता है। अभी हमारा जस्ट इनिशियली ट्रैक इशू हुआ है, इसका बाद तो अपडेट देते रहेंगे। अभी जो इसमें है आप देखेंगे तो डिफरेंट पॉइंट आपका जो है 150 to 200 इवन 250 किलोमीटर तक है, बट हमारा जो अनसर्टेनिटी एरिया है उसमें 50 to 100 किलोमीटर तक भी है। उड़ीसा कोस्ट में डायरेक्ट हिट नहीं होने का चांसेस नहीं है इतना ये है, बट इसलिए तो हमारा विंड स्पीड गेल विंड स्पीड हमारा उड़ीसा में होने का चांस, गेल मीन से कंटिन्यूसली जो साइक्लोन का जो विंड रहते हैं उस तरह से विंड होने का चांसेस नहीं है। जो स्क्वाली वेदर जो होता है जैसे मानसून डिप्रेशन का टाइम में भी होता है स्क्वाली वेदर स्क्वाली विंड स्पीड जो गास्टी सरफेस विंड जो होता है वो 50 to 60 गास्टिंग टू 70 तक जा सकता है विंड का जो ये है। और रेनफॉल का तो हमने बोला है सर, जो नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जैसे कि भद्रक बालेश्वर मयूरभंज वहाँ पे कितने डिस्टेंस में क्यों प्रेस किया वहाँ पे कितने डिस्टेंस में हो जाएगा वही हमने आप ट्रैक का हिसाब से वो देखना आपको ये होगा। वो हमने जो बोला ना वो ऑन एन एवरेज एरिया बोला है। अभी आपका जो ये है इसका अनसर्टेनिटी भी है ना, हमने बोला तो आपका जो आपका 50 किलोमीटर अनसर्टेनिटी एरिया में 50 में भी है ठीक है, फिर 100 to 200 किलोमीटर भी है तो इसमें आपका जो ट्रैक हमारा जो है उसमें से आप उसमें अभी इतना हम लोग डिस्टेंस वाइज अभी फोरकास्ट इशू नहीं किया है, पॉइंट वाइज बाद में हमारा जो इशू होता है ठीक है बुलेटिन में मिल जाएगा। ज़्यादा प्रभाव नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो भद्रक हाँ ज़्यादा प्रभाव कोस्टल विशाखा में नॉर्थ कोस्टल में ही है, बालासोर भद्रक केंद्रपाड़ा जगत सिंहपुर मयूरभंज में भी हमारे का रेन का है ठीक है। सर जो कर्व का ट्रैक है वो अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कोस्ट की साथ वाली डिस्ट्रिक्ट है तो वो पूरी से स्टार्ट हो रहा है पूरी के बाद से कर्व ले तो वो अलोंग विद कोस्ट जाएगा थोड़ा सा। नहीं रिकार्ड तो आपका हमारा सी एरिया में ही होगा ना, उसमें ऐसा हम लोग आप नॉर्थ आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रु निर्देशक जो भाव में गणमाध्यम को सूचना दौले 23 to 24 तारिखु वर्षा परिमाण बढ़ 26 पर्यंत वर्षा होबार अच्छे 25 and 26 दुई दिन प्रबल वर्षा टिके हेबो एवं गति अनुसार ये जो भाव में जीव बात्या से अनुसार पाख देक ओडिशा कौन सी बहुत बड़ थ्रेट ना पारालेल होकर जबार जहाँ रही से अनुसार प्रबल वर्षा उपकूलवर्ती जिलागुड़िकसत एपटे गंजाम और नयगढ़ में टे रही 26 तारीख को जो वर्षा बेसी रही मयूरभंज भद्रक बालेश्वर पूरापूरी से अंचल को।